friends, welcome back to my channel, Champ and Aishman. So friends, exam खत्म होने के बाद मैं फिर से लौट आया एक नए वीडियो के साथ। तो आज का वीडियो क्या है? आज मैं आपको एक फ्लावर का जितना पार्ट है वो सब डिस्क्राइब करके आपको बताने वाला हूँ, समझे? और इस वीडियो को एंड तक देखना। वैसे फूल तो जानना ही चाहिए ना। आप सोच रहे होंगे फूल का अंदर ये क्या बना है, अंदर हम कैसे वैसे देखेंगे कैसे? वैसे जानना तो चाहिए ये सब चीज, तो मत भूलना एंड तक देखना और लाइक करने को तो मत भूलना प्लीज। अगर अच्छा लगा तो वीडियो देखने के बाद एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब तो करना ही करना, जिन्होंने नहीं किया वो करना। सो फ्रेंड्स, जिन्होंने नहीं किया वो सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको तो पता है अनसब्सक्राइब हो जाएगा। सो ज़्यादा बातें नहीं करते, शुरू करते हैं, ठीक है? अब तो आप देख सकते हैं मैंने इस व्हाइट बोर्ड में एक फ्लावर ड्रॉ कर दिया है। तो अब मैं इसका पार्ट्स, सारे पार्ट्स बताने वाला हूँ। जो सो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, आपको तो पता होगा कि फ्लावर्स हम कितने तरीके से यूज़ करते हैं। भगवान को चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, मंदिर को लेके जाते हैं, सजावट के लिए भी वो यूज़ होता है, और उससे हम ऑयल बना सकते हैं, परफ्यूम वगैरह वगैरह। और हम रंगोली जो बनाते हैं वो फ्लावर के एक पार्ट से बनाते हैं। सो फ्लावर बहुत मतलब तरीके से यूज़ होता है। तो आप सोच रहे होंगे फ्लावर का भी इतना पार्ट होता है क्या? हाँ फ्रेंड्स, फ्लावर का तो पार्ट होता है। सो वो पार्ट्स आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, मतलब शेयर करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट, ओके? सो मैंने क्या कहा था, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो ये जो पार्ट होता है, ये पार्ट, इसको हम पेटल कहते हैं। जो आप हिंदी में कहते हैं ना पंखुड़ियाँ, उसमें वो मतलब फ्लावर का यही तो बाहर से दिखता है ना, और पार्ट तो ये सब तो अंदर ही होता है। ये और ये पेटल, ये सेपल। सो पहले पेटल, और पेटल से मतलब जो कलर बहुत सुंदर दिखता है, और वही तो फ्लावर को सुंदर बनाता है ना, और उससे अच्छी स्मेल भी आता है। जैसे एग्जांपल रोज, उसे तो बहुत अच्छा स्मेल आता है, इसलिए तो रोज से परफ्यूम बनाते हैं। तो अभी ये, इसका नाम सेपल है। सो एग्जांपल मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। जब फ्लावर नहीं उगता है, मतलब ये एक फ्लावर है, ये अभी नहीं उगा है, तो इसको ये कवर करके रखता है। ये जो ग्रीन ग्रीन है ना, इसको ही सेपल कहते हैं, मतलब इसको सेपल कहते हैं। वो कवर करके रखता है, जैसे ज़्यादा धूप ना हो जाए तो फ्लावर सूख जाता है ना, इसीलिए ये कवर करके रखता है। तो इसी का नाम सेपल होता है। सिर्फ यही नहीं, इसके नीचे, फ्लावर के नीचे ये सेपल, इसको भी सेपल कहते हैं, ओके फ्रेंड्स? तो ये है हमारा क्या, यस सेपल। ये तो आप जाने लगे ये AL। सो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पार्ट है, हम तो ऊपर से जा रहे तो ऊपर ही जाएंगे। सो अब मैं आपको ये वाला बताऊंगा, ये वाला, इसको हम स्टिग्मा कहते हैं। ये स्टिग्मा है, ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा नीचे लिख रहा पड़ता है, हाँ स्टिग्मा, STIGMA, स्टिग्मा कहते हैं इसको। और उसके नीचे आप देखेंगे ये पूरा पार्ट, इसमें आप सोच जाएंगे स्टिग्मा तो पूरा का हो, मतलब ये पूरा पार्ट को स्टिग्मा कहते हैं, लेकिन नहीं, इसमें मतलब एक लाइन को भी इसको काम करा जाएगा। सो आप सोच नहीं सकते फ्लावर का कितना पार्ट होता है। सो इसको हम क्या कहते हैं? सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर स्टिग्मा लिखा था, तो यहाँ लिख दिया, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम होता हो रहा था वहाँ, क्योंकि
इससे रिलेटेड कुछ और पार्ट है जो मिलाकर स्टिग्मा को मिलाकर होते हैं, आगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स? ओके, तो मैं स्टिग्मा से थोड़ा नीचे जा रहा हूँ। अभी ये जो दंडी, ये जो लाइन दिख रहा है ना, इसको हम स्टाइल कहते हैं, समझे फ्रेंड्स? यस, इसको हम क्या कहते हैं, स्टाइल। और ये जो बाहर ये दिख रहा है ना, ये वाला, ये मतलब इसको छोड़ कर ये जो सर्कल जैसा दिख रहा है, ये फ्रेंड्स ये वाला नहीं, ये वाला, इसको कवर जो हुआ है ना, वो वाला होता है हमारा ओवरी। तो इसको हम अभी करेंगे ओवरी, समझे? ओके फ्रेंड्स, और ये जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये वाला होता है ओव्यूल, इसका नाम होता है ओव्यूल। और ये जो हम ये वाला किया है ना, इसमें येलो कलर दिया है, ये वाला हम कहते हैं एंथर, इसको एंथर कहते हैं। ओके, यस फ्रेंड्स, और एंथर की नीचे वाली लाइन को हम फिलामेंट कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं लिख देता हूँ ऐसे, फिलामेंट, ये होता है फिलामेंट। अब हम नीचे के नीचे, अब दो पार्ट है, ये वाला जो ऐसे सर्कल होके हुआ है, जिसमें ये वाला, इसको हम रिसेप्टिकल कहते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ रिसेप्टिकल, और इसको हम क्या कहते हैं, पेडिसेल, क्या कहते हैं, पेडिसेल, CEL, पेडिसेल, ये वाला पार्ट को। सो फ्रेंड्स इसमें खास बात है, आप अगर देखेंगे जो एंथर और फिलामेंट है, वो दोनों एक पार्ट में जाते हैं, उसका नाम है स्टामेन, मतलब स्टामेन में ये दोनों जाते हैं। और ये मेल या फीमेल पार्ट है, आपको पता है कौन सा पार्ट है? ये वाला हमारा मेल पार्ट है, इन दोनों को मिलाकर हमारा स्टैमेन पूरा होता है। और ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल को, ये चारों को मिलाकर हमारा क्या होता है, और एक पार्ट होता है पिस्टिल। और ये चारों को जो पिस्टिल पार्ट होता है ना, वो हमारा फीमेल पार्ट है। तो ये स्टैमेन और पिस्टिल कौन से पार्ट कहलाएंगे, रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो फ्लावर्स में रिप्रोडक्टिव का काम करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं फ्लावर्स में। सो फ्रेंड्स अभी एंथर और फिलामेंट को मिलाकर हमारा स्टैमेन बना। सो फ्रेंड्स ये दोनों पार्ट मिलाकर हमारा क्या बनते हैं, स्टैमेन। मैं बार बार आपको रिपीट करके कहता हूँ कि ये दोनों पार्ट हमारा स्टैमेन होते हैं, मिलाकर दोनों पार्ट स्टैमेन। और ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, ये चारों पार्ट, और एक बार सुन लीजिए, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, ये चारों पार्ट हमारे क्या है, पिस्टिल, पिस्टिल बनते हैं, एक पार्ट बनते हैं ये चारों पार्ट, और ये दो पार्ट से स्टैमेन बनते हैं। तो ये स्टैमेन कौन सा पार्ट हुआ, मेल या फीमेल, ये मेल पार्ट है। तो स्टैमेन के पास हम ऐसे दे देंगे, ये मेल का साइन होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं लिख देता हूँ, आप तो समझ ही जाएंगे, ये मेल पार्ट है। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स अभी ये दवाला देखिए, ये तो पूरा हो गया, ये हमारे चारों पार्ट मिलाकर क्या बनते हैं, पिस्टिल। तो पिस्टिल कौन सा पार्ट है, फीमेल पार्ट है, कौन सा पार्ट है, फीमेल। और फीमेल का साइन आपको मैं दिखा देता, ये देखिए, ये होता है फीमेल का साइन। ओके फ्रेंड्स, सो ये कौन सा पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है, आप जानेंगे इसलिए मैं लिख दिया।
थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, अब देखिए क्या लिखा है, समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा ध्यान से पढ़िए, ठीक है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो मैं तो सारे पार्ट लिख दिया, और एक बार रिपीट करता हूँ। ये क्या है? ये पेटल, ये सेपाल, ये पेटिसेल, और ये वाला रिसेप्टेकल, ये वाला ओव्यूल, ये जो ड्रॉ किया है, ये वाला हमारा पूरा जाते ओवरी, ये डंडी लाइन, ये स्टाइल, और ये जो ऐसे ड्रॉ हुआ है ये स्टिग्मा, ये एंथर, और इसका लाइन होता है हमारा फिलामेंट, और इन दोनों को मिलाकर स्टामेन होते हैं, और ये मेल पार्ट है, तो इन चारों को मिलाकर पिस्टिल बनते हैं, तो वो क्या है? फीमेल पार्ट है। और ये साइन थोड़ा याद कर, मेल का साइन और फीमेल का साइन, ये बहुत जरूरी साइन होता है, तो याद कर लीजिएगा इसको। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। सो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, उसके लिए वेट करिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको तो ये वीडियो थोड़ा तो अच्छा लगा होगा ना, थोड़ा तो हेल्पफुल होगा ये वीडियो, थोड़ा तो हेल्प मिलेगा ना। सो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को एंड तक तो देख लिए। अभी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ, लाइक करना, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को शेयर करना, और बेल आइकन को दबा के क्या करेंगे, नोटिफिकेशन उसको दबा के ऑल को, ऑल बटन उसको प्रेस कर देना। सो ये है आपका काम, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ इतना हो जाएगा, मैं खुश, आप खुश, सब खुश। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, तो नए वीडियो में मिलूँगा। सो ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, और सुस्त रहिए, घर में सुरक्षित रहिए, मतलब स्टे होम, स्टे सेफ, एंड क्या, हेल्दी, स्टे हेल्दी, सुस्त रहिए, ओके, और बार बार मास्क पहनिए, वो मत भूलना, वो बहुत जरूरी है, ये पैंडेमिक सिचुएशन तो जाता ही नहीं है, क्या कर सकते, वेरी बैड। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है फ्रेंड्स, नमस्ते, जय जगन्नाथ, लव यू, बाय बाय।